प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में के एक गांव रमना में आज एक ऐसी खबर मीडिया में आई जिसने रमना गांव के किसानों को परेशान करके रख दिया। बताया जा रहा था कि 20 करोड़ रुपया सालाना कारोबार सब्जी से है, जबकि वास्तव में यहां के किसानों का कहना ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आइए आज हम बात करते हैं यहाँ के किसानों से। ये सरासर झूठ है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान खुद ही त्रस्त हैं। एक तो किसान जो पैदा करता है आधा तो सब साबर जो है और ये साढ़ खा जा रही हैं, आधा मार्केट में जाता है वो भी औने पौने दाम पर बिकता है, सही उसका मूल्य नहीं मिल पाता हम लोगों को। तो ये जो खबर आ रही है ये क्या पूरी तरीके से फेक है? फेक है सर, ये पूरी तरह से फेक है। यहाँ की स्थिति तो ये है कि इस समय खेत को ट्रैक्टर से जुताने के लिए किसानों के पास पैसा नहीं है, दवा बीज लेने के लिए वो दुकानदारों से उधार ले रहे हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जब 20 करोड़ का जब हम टर्नओवर करेंगे तो क्या हम किसी से कर्ज लेके काम करेंगे? यहाँ हम बैंक से लोन लेके खेती कर रहे हैं, कर्ज लेके खेती कर रहे हैं। ये सर सरासर फेक न्यूज है और हम लोग इसके विरोध में हैं। ये फर्जी बात जो है न्यूज में चल रहा है 100% बात गलत है। किसान अगर कहीं निकाला जाए आंकड़ा, अगर बहुत लंबा आंकड़ा निकाला जाए तो पर किसान अगर एक बीघे में अगर कहीं मान लीजिए 1 लाख रुपया अगर बचत बना लेता है तो किसानों के लिए उतने ही बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वह भी किसान लास्ट में उसको निगेटिव ही मिलता है, इतना बचत बना नहीं पाता है। जैसे अभी बात हो रहा है 20 करोड़ की, यह बहुत मतलब दुर्भाग्य की बात है। जैसे भी जिस चैनल के द्वारा ये बताया जा रहा है रमना को जो कि हाईलाइट किया जा रहा है इस मामले में कि किसान यहाँ के जो कि 200 करोड़ की फसल खड़ा कर दिए हैं, ऐसा अभी आप किसान भाइयों से बात किए हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट में जो भी दुकान है और सरकारी सरकारी बीज और जो है कि सरकारी जो दवा होती हैं जैसे यूरिया डाई ये सब होती हैं, हमारे यहाँ किसान जो है कि सबसे तगड़ा खेती होता है यहाँ पर सेम की फसल यहाँ पर सेम की जाती है और हमारे यहाँ सबसे मजबूत खेती अभी वर्तमान में लगभग 8 से 10 साल पहले से और अभी तक सबसे मजबूत खेती मानी जाती है सेम की। और सभी किसान जो है कि खेत में अपने सेम लगाने के लिए बाहर से बांस लाते हैं और बड़ी मशक्क़त के बाद बांस मिलता है और कई लाख का तो हमको लगता है कि बांस आ जाता है और किसानों को लास्ट में अगर कहीं जोड़ के अगर मिलता है तो हमको लगता है कि पर किसान बीघे पीछे 70-80 हज़ार रुपया 4 महीने में और पूरे बच्चे और बुजुर्ग के साथ वर्क करने के बाद अगर कहीं अगर उसका मजदूरी निकाल दिया जाए तो हमको लगता है कि बाहर में मजदूरी करना बेटर पड़ेगा। जो किसान यहाँ पर निकालता है 70-80 हज़ार रुपया बचत उसको एक बीघे में 70-80 हज़ार रुपया आ जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकता।